Hello everyone! वेलकम बैक टू माई चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ बाय वसुंधरा एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसा रहेगा आपका अपकमिंग वीक ऑफ अक्टूबर सेवन टू थर्टीन नाउ दिस रीडिंग इज़ फॉर पाइसिज आउट देयर एंड ये क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सब कुछ रेजनेट करे इसलिए जितना रेजनेट करे प्लीज उतना ही रखिएगा एंड यू कैन लीव द रेस्ट इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई पर्सनलाइज रीडिंग की आवश्यकता लगती है तो प्लीज़ फील फ्री टू तो चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्योंकि वहाँ पर मैंने दिया है अपना इंस्टाग्राम का आईडी जहाँ पे आप लोग जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके मैं इन फ्यूचर आप लोगों को और भी अच्छी रीडिंग्स दे सकूं ऑन दैट नोट ไพซิส लेट्स बिगिन कैसा रहने वाला है ये अपकमिंग वीक ऑफ अक्टूबर सेवन टू थर्टीन फॉर माई लवली फाइसिस आउट देयर फाइसिस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि कभी भी अगर मैं किसी कार्ड के लिए कहती हूँ कि एक मेजर आरकाना कार्ड है आई जस्ट मीन दैट द कार्ड हैज अ वेरी फिक्स एनर्जी इट्स अ स्टेपिंग स्टोन ओके तो वो एक ऐसी एनर्जी लेके बैठा होता है जहाँ पे वो हो कर रहेगा बाकी माइनर आर्काना कार्ड की जो एनर्जी है वो थ्रू आउट द टाइम आपके एक्शन के बेसिस पर चेंज होती रहती है लेकिन मेजर आर्काना कार्ड की एनर्जी ऐसी नहीं होती है ओके सो विद नोट हमने आपके कार्ड्स फुल आउट कर लिए हैं एंड लेट्स बिगिन ऑल राइट पहला है आप लोगों का किंग ऑफ वस फिर है

पहला है द किंग ऑफ वान्स मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं आई फील विद द किंग ऑफ वन्स कि आप लोग एक uh, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड uh, एक आप एक जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत लंबा सफ़र तय करते हुए आए हैं ठीक है एंड बहुत सारी चीज़ें थी आप लोगों के रास्ते में बहुत रोड़े थे जिसको कवर अप करते हुए आए हो जिसको पार करते हुए आए हो मुसीबतों को चलते हुए सारी सारी चीज़ों को मतलब लड़ते हुए आए हो आप लोग एंड आई बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आप लोग बन रहे हो ठीक है और अपनी एक्शंस की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं पाइस ओके किंग ऑफ स्वर्थ मुझे बता रहा है कि अगैन uh, आप लोग बहुत डिटर्मिंड लग रहे हैं टू थिंक डिफरेंटली आई फील दैट यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थाट्स ऑब्वियसली ओके बिकॉज दिस इज़ अ किंग कार्ड एंड आई थिंक दैट यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थाट्स वेयर एज यू आर ऑल्सो बींग जज्ड बाई समबडी बट आई ऑल्सो थिंक कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग यू हैव ऑल द आंसर्स जो आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यू नो इट ऑल ठीक है हो सकता है कि आप जज हो रहे हैं हो सकता है कि आप किसी को जज कर रहे हैं आई ऑल्सो फील कि आप एक टोटल अथॉरिटी पोजिशन में बैठे हैं <coughs> <coughs> किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग आप लोग एक टोटल अथॉरिटी पोजिशन में बैठे हैं एंड आई फील दैट यू आर यू नो यू आर लाइक कि मुझे सब मालूम है ओके पाइसिस नाउ द क्वीन ऑफ स्व इज टेलिंग मी की कोई एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही एजुकेटेड है हु नोज वॉट दे वॉन्ट या तो ये आप हैं या ये कोई और है जो आपकी लाइफ में है बट डेफिनेटली एक ऐसा समझ में आ रहा है कि आप लोग गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है ठीक है आपको पता है आपको क्या चाहिए गेम नहीं खेलना है टाइम पास नहीं करना है यू आर नॉर्चरिंग योर थाट्स ओके आई फील दैट यू आर यू नो सिटिंग वेरी कॉन्फिडेंटली यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू आर नॉर्चरिंग पाइसिस आई फील दैट यू आर यू आर थिंकिंग फ्रॉम एम इमोशनल नर्चरिंग अब आप अपने थाट्स को नर्चर कर रहे हैं ठीक है एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको बेटर के लिए सर्व नहीं कर रही हैं उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं स्पाइस ओके सो दिस इज़ वॉट आई फील विद द क्वीन ऑफ स्व नाउ सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज सेलिंग नी दैट आई थिंक लॉट ऑफ यू आर यू नो मे बी ट्राइंग टू प्लान समथिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म ठीक है कोई चीज़ है जो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो देखना चाह रहे हैं कि यू नो वाई टू इन्वेस्ट योर टाइम इमोशन एफर्ट इनटू समथिंग जो आपके साथ लॉन्ग टर्म ना चले तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए अपना टाइम अपना एफर्ट अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं अपने लिए एंड आई फील कि थोड़ा सा आप लोग हार्ड वर्किंग तो डेफिनेटली होते हुए नजर आ रहे हैं इन दिस अपकमिंग वीक लास्ट uh, अब आप लोगों का ये नेक्स्ट आता है द स्टार कार्ड विच इज़ आई टोल्ड यू प्लीज मेक अ विश इसके अंदर मैं देख पाती हूँ कि एक मेजर आरकाना कार्ड है कुछ होप कुछ आप लोगों को किसी सिचुएशन में नज़र आ रही है किसी सिचुएशन को लेके होप नजर आ रही है ठीक है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू पोर टू समबडी ऐसा भी नज़र आता है कि बहुत प्यार है आपके पास किसी इंसान को ऑफर करने के लिए सो यू आर वेटिंग फॉर दैट सिचुएशन अगेन दिस इज़ द लास्ट कार्ड द हाई प्रीस्टिस कार्ड ना ये एक मेजर आरकाना कार्ड है एंड आई फील कि इसके साथ आप लोगों को कोई इंट्यूशन है किसी चीज़ किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग पाइसिस जिसमें मैं देख पा रही हूँ कि यू शुड बिलीव योर इंट्यूशन क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई डोंट थिंक आपका इंट्यूशन आपको गलत बता रहा है आप बहुत कॉन्फिडेंटली बैठे हैं अभी इस टाइम पे कि जो भी होगा आप देख लेंगे हैंडल कर लेंगे कोई सीक्रेट हो सकता है या नॉलेज हो जो आप लोगों को मालूम हो जो दूसरे को ना मालूम हो ऐसा भी होता हुआ नजर आ रहा है पाइसिस ऑल राइट आई होप कि ये आप लोगों के साथ रेसनेट करता होगा एंड अगर ये रेसनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके इन फ्यूचर मैं आप लोगों को और भी अच्छी रीडिंग्स दे सकूँ तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय टेक केयर